देखिए हैजॉग फैमिली की बात करते हैं। हैजॉग फैमिली एक प्रोटीन की फैमिली है जिसमें कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिन्हें कॉमनली कहा जाता है हैजहॉग। आपने नाम सुना होगा सोनिक हैजॉग, ठीक है, काइंड ऑफ दिस थिंग। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी जरूरी है। डेवलपमेंट के दौरान ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के सिंथेसाइज होते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन है कैसे, बेसिकली दीज आर द पैराक्राइन फैक्टर्स। ये फंडामेंटली पैराक्राइन फैक्टर होते हैं। अब ये पैराक्राइन फैक्टर क्या होता है, पैराक्राइन फैक्टर का जैसे मतलब आपको पता ही होगा कि एक सेल है यहाँ पे सेल वन, दूसरा सेल है सेल टू। अब ये सेल वन किसी तरह का मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है जो नियर बाय सेल पे जो इसके आसपास होगा बाइंड करता है और रेस्पॉन्स देता है। तो एक तरह का नेबरिंग होता है, नेबरिंग आपका फिनोमेना चलता है, आजू बाजू सेल होते हैं, तो इसे कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग या पैराक्राइन फैक्टर्स। फाइन, सो इट इज ए मल्टी फंक्शनल सिग्नलिंग प्रोटीन। इसके कई तरह के काम होते हैं बॉडी के अंदर, ये कोई एक तरह का वर्क नहीं करता। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द बॉडी वेयर इट इज सिंथेसाइज, जहाँ पे ये सिंथेसाइज हो रहा है बॉडी में, ये इस बात पे डिपेंड करेगा ये क्या काम करेगा। सो इट इज ए मल्टी फंक्शनल सिग्नलिंग प्रोटीन। सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ये ड्रोसोफिला के अंदर। तो ड्रोसोफिला के अंदर सबसे पहले इसको देखा गया था और यहीं से इसका नाम भी आया है हेजहॉग, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली कितने तरह के हेजहॉग प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो आपने सुना होगा जो सबसे ज़्यादा उसका फेमस नाम है विच इज़ द सोनिक हेजहॉग। तो एक तो सोनिक हेजहॉग नाम का प्रोटीन है, इट इज़ ए होमोलॉग ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट के तीन होमोलॉग हैं, वन इज द सोनिक हेजहॉग, दूसरा है इट इज़ कॉल्ड एज द डेजर्ट हेजहॉग, ठीक है, आई एम सॉरी इट इज़ द डेजर्ट DHH डेजर्ट हैजहॉग, और तीसरा है इंडियन हैजहॉग, तो इट इज द IHH इंडियन हैजहॉग, DHH डेजर्ट हैजहॉग, SHH सोनिक हैजहॉग। तो बेसिकली तीन तरह के हैजहॉग प्रोटीन मिलते हैं। इन तीनों के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा अपना काम दिखाता है, वो है सोनिक हैजहॉग। तो हम बात करेंगे इनके बारे में कुछ, तो मैं एक एक करके लूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अबाउट द सोनिक हैजहॉग। सोनिक हैजहॉग ये जो नाम आया है आपका, सोनिक जैसे आप जानते हैं एक टून है, कार्टून है जिसके ऊपर आपकी कई सारी की मूवीज वगैरह भी हैं। तो सोनिक जो है, जैसे कि सोनिक को आप देखोगे इस टून को, इसके पीछे आप काइंड ऑफ डेंटिकल्स देख रहे हो, काइंड ऑफ स्पाइंस देख रहे हो, ठीक है। इसी तरह के एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जानवर होता है जिसे कहते हैं हैजहॉग, उसकी बॉडी पर भी स्पाइंस होते हैं। तो ये यहाँ से नाम आया है, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया है, ठीक है, थोड़ी देर में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोटीन है जिसका नाम है सोनिक हैजहॉग, ये क्या क्या काम करता है। देखिए जैसे मैंने बताया इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, बट इसके कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो सबसे ज़्यादा इसके प्रीवेलेंट हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट नंबर ऑफ फंक्शन जो दिखाता है ये। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटर न्यूरॉन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान जो मोटर न्यूरॉन्स बनते हैं उनमें इसका रोल है। फॉर्मेशन ऑफ फैदर इन चिक, चिक्स के अंदर जो फैदर्स बनते हैं, विंग्स बनते हैं, उसके लिए सोनिक हैजहॉग रिस्पॉन्सिबल है। एंड अनदर वन द लोकलाइजेशन ऑफ द पिंकी, वॉट इज पिंकी, पिंकी मैं आपको बताता हूँ। पिंकी हमारी सबसे छोटी उंगली जो होती है, दिस वन सबसे छोटी उंगली, इसे पिंकी कहा जाता है। तो जो सबसे छोटी उंगली हमारी पिंकी, इसकी फॉर्मेशन में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोनिक हैजहॉग नाम का प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे पोस्टीरियर साइड पे डेवलपमेंट के दौरान एक लिम्ब बड नाम की चीज बनती है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लिम्ब डेवलपमेंट में जब डेवलपमेंट होता है लिम्ब का, तो वहां पे लिम्ब बड बनता है। लिम्ब बड के अंदर कई तरह के ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं जो अलग अलग लिम्ब के पार्ट को जन्म देते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी पीछे का हिस्सा, प्रॉक्सिमल आगे का डिस्टल, इसी तरह से पोस्टीरियर एंटीरियर नीचे का हिस्सा, पोस्टीरियर ऊपर का एंटीरियर, और इसी तरह से डॉर्सल वेंट्रल, ये वाला हिस्सा डॉर्सल और ये वाला हिस्सा वेंट्रल। तो ये तीन चीज़ें बनती हैं वाय द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं विच इज द सोनिक हैजहॉग, ये आपका कहाँ पे बनता है, इट इज कॉल्ड एज द ZPA द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, जोन ऑफ पोलराइ जिंग एक्टिविटी, तो इसे शॉर्ट में कहते हैं ZPA।
तो इसे शॉर्ट में ZPA कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सोनिक हैजॉग का इंपॉर्टेंट रोल आता है। ये आपने पढ़ा होगा लिम डेवलपमेंट में, जो मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। ऑलराइट, तो जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, साथ साथ आपका कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा देख के। अब बात करते हैं हैजॉग नाम कहाँ से आया। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको एक ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो दिखेगा। ठीक है, मैं कलर बदलता हूँ ताकि आप साफ देख पाओ। वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो यहां पे आप देखिए, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। ये ड्रोसोफिला का नॉर्मल एम्ब्रियो है जो आपको यहां पर दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, नॉर्मल लार्वा। इसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक डिविजन होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब म्यूटेशन आ जाती है HH में, हैजॉग में, तो इसमें क्या होता है, इसका साइज एक तो छोटा हो जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं डेंटिकल बैंड्स। डेंटिकल बैंड अ काइंड ऑफ स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो म्यूटेशन आने के बाद ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो, यहां पे आप देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पे डेंटिकल्स बैंड दिख रहे हैं आपको। अभी ये जो डेंटिकल बैंड है, ये जो आपकी ड्रोसोफिला है, लार्वा जो है, इसमें एक समान दूरी से सेपरेटेड है। लेकिन जब यहां पे म्यूटेशन आती है हेजहॉग की, तो ये डेंटिकल लॉन बना देते हैं। इट इज कॉल्ड एज द डेंटिकल लॉन। तो इसमें क्या होता है, ये एक जगह जमा हो जाते हैं और ऐसे नजर आते हैं जैसे स्पाइंस होते हैं। तो आप यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पे एक हेजहॉग बना हुआ है और इस हेजहॉग के सरफेस पे क्या है, कांटे से निकल रहे हैं। यही कांटे हम यहां बताना चाहते हैं विद दिस फिगर, जहां पे आपके डेंटिकल का लॉन आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से इसका नाम रखा गया है हेजहॉग। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, तो सोनिक हैजॉग और कहां कहां एक्सप्रेस करता है, अगर मैं डेवलपमेंट में देखना चाहूं कि कहां एक्सप्रेस करता है ये, तो मैं तीन जगह आपको दिखाना चाहूंगा। आपके सामने एक एम्ब्रियो है, डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो, जो चिक है उसका एम्ब्रियो है। तो चिक के एम्ब्रियो में सोनिक हैजॉग नाम का प्रोटीन कहां कहां पे एक्सप्रेशन दिखा रहा है। एक है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में सोनिक हैजॉग का एक्सप्रेशन है। दूसरा है गट, गट मतलब इंटेस्टाइन, यानी जो गट होती है, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्रेशन आता सोनिक हैजॉग का। एंड द लिंब बड, लिंब बड में भी कहां पर आता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना है बात, ये एग्जाम में कई बार पूछे हैं सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर ये कलर कैसे आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो ये पर्पल कलर आ रहा है, ये यहां पे कलर आ रहा है, ये कैसे किया साइंटिस्टों ने? तो देखिए, एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। ये टेक्निक मैं आपको कभी डिटेल में समझाऊंगा जब मैं इस पे क्लास लाऊंगा, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, देखो द वर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड बनाना, यानी कि कोई दो चीजों को जोड़ देना, समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर भी हाइब्रिड किया गया है। क्या हाइब्रिड किया है, देखो सोनिक हैजॉग एक प्रोटीन है, प्रोटीन बना होगा आरएनए से, आरएनए बना होगा डीएनए से, करेक्ट। तो सपोज करो मेरे पास सोनिक हैजॉग का आरएनए है, सपोज आई हैव सोनिक हैजॉग आरएनए, और अगर मैं इस सोनिक हैजॉग के आरएनए पे एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जोड़ दूं, क्योंकि आरएनए क्या है, आरएनए इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे आरएनए का सीक्वेंस जोड़ दूं और उस सीक्वेंस के साथ किसी फ्लोरोफोर को अटैच कर दूं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पूरे सेल के अंदर जहां पर सोनिक हैजॉग का आरएनए होगा वहीं पर मेरा प्रोब जाके बाइंड करेगा। इट इज कॉल्ड एज द प्रोब। आपने प्रोब पढ़ा होगा ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी प्रोब आता है। तो इसे कहते हैं इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर आप डीएनए भी प्रोब ले सकते हो, इसके अंदर आप आरएनए भी प्रोब ले सकते हो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से टैग करके। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत है, अपना क्वेश्चन आप पूछिए। आगे चलता हूं मैं। सोनिक हैजॉग बता दिया, सोनिक हैजॉग मैंने आपको बताया। दूसरा है इट इज कॉल्ड एज द डेजर्ट हैजॉग, डेजर्ट हैजहॉग। डेजर्ट हैजॉग कहां पे एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है सर्टोली सेल्स में। आपने पढ़ा होगा स्पर्माटोजेनेसिस के केस में सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये
दे प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. फाइन, तो सर्टोली सेल्स के अंदर ये एक्सप्रेस करता है टेस्टिस के अंदर. क्लियर? अगर मैं डेजर्ट हैजहॉग में कर देता हूं नल म्यूटेशन, अगर मैं डेजर्ट हैजहॉग में करता हूं होमोजाइगस नल म्यूटेशन, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? देयर विल बी डिफेक्टिव स्पर्माटोजेनेसिस. स्पर्माटोजेनेसिस में डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक से स्पर्माटोजेनेसिस होगी नहीं, क्योंकि हमें पता है सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देते हैं, काफी जरूरी सेल्स होते हैं ये इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस. करेक्ट. दूसरा है, इट इज द इंडियन हैजहॉग. जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने एक फोटोग्राफ भी लगाया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द इंडियन हैजहॉग. तो दिस इज कॉल्ड एज द IHH. तो इंडियन हैजहॉग कहाँ पे एक्सप्रेस करता है? इंडियन हैजहॉग आपका एक्सप्रेस करेगा गट में एंड द कार्टिलेज में. गट और कार्टिलेज के अंदर ये एक्सप्रेशन दिखाता है आपका. क्लियर? और इसका क्या काम है? इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है इन द पोस्ट नेटल बोन ग्रोथ. यानी बर्थ होने के बाद जो बोन में ग्रोथ होती है उसके लिए बेहद जरूरी है ये जीन. इट इज कॉल्ड एज द इंडियन हैजहॉग. फाइन, तो तीनों के बारे में याद रखना है. देखिए एग्जाम में पार्ट बी में सवाल पूछेगा आपसे, वो पार्ट बी में पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेजर्ट हैजहॉग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडियन हैजहॉग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोनिक हैजहॉग. फाइन, जिसमें ज्यादातर कौन है? सोनिक हैजहॉग है. अब फाइनली हम बात करते हैं सोनिक हैजहॉग कैसे सिक्रीट होता है. देखिए सोनिक है, मैं सोनिक नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हैजहॉग. हैजहॉग क्या है? हैजहॉग एक प्रोटीन है. प्रोटीन डीएनए से बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से हैजहॉग बनेगा. तो आइए देखते हैं ये काम कैसे होता है. कहानी शुरू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या आता है? आपका आरएनए आ जाता है हैजहॉग का. हैजहॉग का आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ट्रांसलेशन में जाता है और यहां पे उसका प्रोटीन बन जाता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हैजहॉग का क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. पॉइंट नंबर वन. दूसरा, जब ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है तो इसका एक सी टर्मिनल होता है, इसका एक एन टर्मिनल होता है. इसके सी टर्मिनल पे कटिंग हो जाती है. इट इज कॉल्ड एज द ऑटो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज. प्लीज रिमेंबर, दिस इज द ऑटो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज. अपने आप कट होता है ये एट द सी टर्मिनल. तो सी टर्मिनल पे कट हो जाता है. क्या बचता है? बचता है एन टर्मिनल. तो सी टर्मिनल तो कट हो चुका, क्या बचा? एन टर्मिनल. अब एन टर्मिनल जो है इसमें एक्सपोज हो जाता है सिग्नल सीक्वेंस. एन टर्मिनल में क्या था? सिग्नल सीक्वेंस था. कैसा सिग्नल सीक्वेंस था? प्रोटीन को सिक्रीट करने वाला, ताकि प्रोटीन बाहर जा पाए, ताकि हैजहॉग प्रोटीन बाहर जा पाए. तो सिग्नल सीक्वेंस एक्सपोज हो जाता है. अब फिर वो सिक्रीशन के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कमी होती है. फिर इसके अंदर होती है आपकी मॉडिफिकेशन. इसका जो एन टर्मिनल प्रोटीन है ये एक्टिवेट कर जाता है और इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है. इसके ऊपर ग्रुप्स जोड़े जाते हैं. तो कौन से ग्रुप जोड़े जाते हैं? इस पर जोड़े जाते हैं, याद रखना, दो तरह के, यू कैन से फैटी एसिड और यू कैन से फैट लिपिड. वन इज द कोलेस्टेरॉल, सेकेंड इज द पाल्मिटिक एसिड. तो जो एन टर्मिनल है हैजहॉग का, जो एन टर्मिनल का सीक्वेंस था, यहां पे जोड़ दिया जाता है कोलेस्टेरॉल एज वेल एज द पाल्मिटिक एसिड. कोलेस्टेरॉल और पाल्मिटिक एसिड काफी ज्यादा जरूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ द हैजहॉग प्रोटीन आउटसाइड द सेल. हैजहॉग प्रोटीन सेल से बाहर जा पाए प्रॉपरली, इसलिए काफी जरूरी होता है इसके ऊपर कोलेस्टेरॉल को जोड़ना और पाल्मिटिक एसिड को जोड़ना. ठीक है, कैसे जुड़ता है वो एक अलग कहानी है. कौन जोड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. अभी हम सिर्फ इसका बेसिक पाथवे देख रहे हैं. सेकेंड थिंग देखिए, अब क्या होता है, सपोज करो सेल है ये, दिस इज द सेल. इस सेल में हेयर इज द वेसिकल, यहां पे वेसिकल है. इस वेसिकल के अंदर कौन सा प्रोटीन है? हैजहॉग प्रोटीन है. और इस हैजहॉग प्रोटीन पे क्या जुड़ गया है? कोलेस्टेरॉल जुड़ गया है और क्या जुड़ गया है? पाल्मिटिक एसिड जुड़ गया है. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, इससे बाहर आना है हैजहॉग को. तो इसको बाहर आने में मदद करता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम है डिस्पैच. इट इज कॉल्ड एज द डिस्पैच्ड. सो डिस्पैच्ड नाम का प्रोटीन
विच इज ए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये लोकेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और ये रिकॉग्नाइज करता है कोलेस्टेरॉल को। हैजॉग प्रोटीन के ऊपर जो कोलेस्टेरॉल जोड़ा था आपने अभी, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करके करवा देता है एक्सोसाइटोसिस, बाहर निकलवा देता है हैजॉग प्रोटीन को। और आपको पता ही है हैजॉग प्रोटीन क्या करता है, अपना सिग्नलिंग दिखाएगा जो भी इसका काम करने का तरीका है, और इस तरह से हैजॉग प्रोटीन आपका सिक्रीट होके बाहर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आ जाइए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपका हैजॉग का mRNA न्यूक्लियस में बना, इसकी पॉलीएडेनिलेशन हुई, कैपिंग हुई, बाहर आया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसलेशन हुई, ट्रांसलेशन होके एन टर्मिनल सी टर्मिनल दोनों बाहर निकले, सी टर्मिनल पे क्या हो गया ऑटोप्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, ऑटोप्रोटियोलाइटिक क्लीवेज हो गया सी टर्मिनल पे, सी टर्मिनल कट गया, बचा क्या एन टर्मिनल, एन टर्मिनल पे हुई केमिकल मॉडिफिकेशन, क्या जोड़ा गया कोलेस्टेरॉल जोड़ा गया, पाल्मिटिक एसिड जोड़ा गया, फिर ये कोलेस्ट्रॉल आपका वेसिकल के द्वारा बाहर आया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन लगा है जिसका नाम है डिस्पैच्ड, डिस्पैच इसको रिकॉग्नाइज कर देगा और बाहर सिक्रीट कर देगा एज अ मोनोमर्स, तो एज अ मोनोमर सिक्रीट कर देता डिस्पैच। लेकिन हैजॉग प्रोटीन आपका और भी तरह से सिक्रीट हो जाता है, ये मल्टीमर फॉर्म में भी सिक्रीट होता है, ये लिपोप्रोटीन असेंबली में भी आता है, लिपोप्रोटीन के साथ भी बाइंड होकर निकलता है, साथ ही साथ एक्सोवेसिकल के साथ भी आता है, मतलब बाहर वेसिकल आ जाती है और वेसिकल के ऊपर ये प्रोटीन बाइंड रहता है। लेकिन जनरली जो हम पढ़ते हैं किताबों में वो हम पढ़ते हैं मोनोमर वाला, हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि भाई एक सेल से बाहर आया हैजॉग और दूसरे सेल के रिसेप्टर पे ये बाइंड कर गया, हम यही पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं डिस्पैच वाला केस, अदरवाइज और भी आपके केस देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज द सेशन फॉर टूडे, छोटा सेशन था, इफेक्टिव सेशन था और मुझे आशा है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। क्लियर, जाने से पहले बस आपसे इतनी गुजारिश है, जो लोग देख रहे हैं कृपया इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि दूसरों तक पहुँचे और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल पाए आपके लिए और सेशन बनाने के लिए। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, पॉजिटिव है पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव है नेगेटिव बताएं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जैसा भी आपको लगता है वो आप बताएं। और मुझे फॉलो करना ना भूलें अनअकैडमी पे। ऑलराइट, सो कोई सवाल मुझे दिखा नहीं है अभी तक, तो फिर मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।